सिर पर जालीदार टोपी, शरीर पर भगवा कुर्ता और चेहरे पर सुन्न काली दाढ़ी। अपनी बेगम के साथ थाने पहुंचे मुल्ला जी और उनकी बेगम के बारे में जब थाना प्रभारी को पता चला होगा तो उसने किस तरह खुद को संभाला होगा। दरअसल पुणे के पुलिस कमिश्नर वेशभूषा बदलकर पुलिस महकमे के कामकाज का जायजा लेने रात में निकल पड़े। पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने रमजान के महीने में एक मुस्लिम व्यक्ति का वेशभूषा बदलकर पुलिस थानों में औचक दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने यह समझना चाहा कि एक आम आदमी जब पुलिस थाने में अपनी दरकार लेकर जाता है तो उसके साथ कैसा बर्ताव होता है। अपने पुलिस बल का आम नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव है ये जानने के लिए पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने बुधवार की रात एक मुस्लिम व्यक्ति की वेशभूषा धारण की थी। उनकी बेगम के किरदार में ACP यानी सहायक पुलिस आयुक्त प्रेरणा कट्टे थी। अपने औचक निरीक्षण के लिए उन्होंने एक प्राइवेट कार का इस्तेमाल किया। इसके लिए वे खुद चेहरे पर नकली दाढ़ी, सिर पर नकली मेहंदी कलर बाल, पैर में फैशनेबल जूता, कुर्ता, जीन्स पैंट और सिर पर गोल सफ़ेद टोपी का परिधान धारण किया। इस दौरान ACP प्रेरणा कट्टे भी मुस्लिम महिला की वेश में थी। मियां बेगम का यह जोड़ा बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सबसे पहले एक थाने पहुंचा और वहां उर्दू मिश्रित हिंदी में बताया कि हम अपनी बेगम के साथ खाना खाने निकले थे, कुछ गुंडों ने हमारी बेगम के साथ छेड़खानी की और कीमती सामान छीनकर भाग गए। हमारी शिकायत दर्ज करने की मेहरबानी करें और गुंडों को गिरफ्तार करें। दूसरे थाने में पहुंचकर कहा कि नमाज के वक्त कुछ लोग पटाखों की आतिशबाजी करते हैं, जब उन्हें मना किया तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की और उनकी बेगम के साथ बदसलूकी की। तीसरे थाने में उन्होंने खुद को कोरोना संक्रमित बताकर एम्बुलेंस मंगाने पर उसके चालक ने ज़्यादा पैसों की मांग किए जाने की शिकायत की थी। पुलिस कमिश्नर को इस औचक निरीक्षण में हिंजवड़ी और वाकड़ में अच्छा रिस्पांस मिला, जबकि पिंपरी थाने में उनका अनुभव ठीक नहीं रहा। वहीं शिकायत सुनने के बाद FIR दर्ज करने की तैयारी कर रहे पुलिसकर्मियों को जब कमिश्नर ने असली पहचान बताई तो उनके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। इकबार को तो उनको यकीन नहीं हुआ कि उनके सामने खुद पुलिस कमिश्नर और ACP खड़े थे। इस दौरान कमिश्नर ने फरियादियों को रिस्पांस न देने वाले एक थाने की पुलिस को फटकार लगाई तो वहीं अन्य दो थाना पुलिस को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने कहा कि इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। कमिश्नर के इस निरीक्षण की जहां देश भर में सराहना हो रही है तो वहीं उसके बाद यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि अगर देश में पुलिस के आला अफसर इसी तरह निरीक्षण करते रहे तो फरियादियों को न्याय के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।